यस स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी कंटिन्यूइंग प्रीवियस टॉपिक। तो हम किस टॉपिक की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे रेमिटेंस ऑफ फंक्शंस। रेमिटेंस ऑफ फंक्शंस में हमने कवर किया था फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक हमें कुछ ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। लाइक क्या है वो, कैसे डीलिंग करते हैं? बैंक टू बैंक डीलिंग करते हैं। हम उन्हें अपना नंबर बताएंगे, वो वहाँ पर, जैसे लाइक क्या है, हम रेवाड़ी में बैठे हैं, रेवाड़ी से बॉम्बे वाले बैंक में वो क्या कर देंगे, ट्रांजेक्शन्स ट्रांसफर कर देंगे। तो इस रीजन से वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू हो रहा था वो है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। और किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये? हमें इजिली बैंक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम इजिली बैंक के साथ अपनी परचेज सेल की डीलिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो लाइक क्या होता है, अगर हमने लोन लिया और हम पेमेंट नहीं कर पा रहे तो जो हमारी एसेट्स गिरवी रखी है वो उसको सेल कर सकते हैं। या हम जो शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स इशू करते हैं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं, मॉर्गेज पे रख सकते हैं। तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, परचेज और सेल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट वन, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और बैंक हमें जो रेमिटेंस ऑफ फंक्शन है, रेमिटेंस ऑफ फंक्शन है, वो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की। जो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में, किसकी रिक्वायरमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज की। जब हम क्या करते हैं, माल को इम्पोर्ट करते हैं तो हमारी करेंसी क्या होती है, बाहर चली जाती है, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन की करेंसीज एंटर हो जाती है। तो हमारा बैंक का काम क्या होता है, जो फॉरेन कमर्शियल बैंक होते हैं उनका काम ये होता है फॉरेन एक्सचेंज को क्रिएट करना। कैसे एक्सचेंज को क्रिएट करना, परचेज एंड सेल करके, किसको क्रिएट करना, फॉरेन एक्सचेंज को क्रिएट करना। तो इस रीजन परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किसकी हेल्प से होता है, फॉरेन बैंक की हेल्प से होता है। जो फॉरेन कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, फॉरेन सर्विसेज लेके आते हैं, लाइक हमारे पास फॉरेन सेल करना, परचेज करना। तो इस रीजन से फॉरेन एक्सचेंज क्रिएट हो जाता है। तो लास्ट वन जो पॉइंट है इसमें वो है अलाइड सर्विसेज। कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है अलाइड सर्विसेज? अलाइड सर्विसेज में फर्स्ट पॉइंट है आपको लोकल फैसिलिटी। बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है, कस्टमर को लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लोकल फैसिलिटी क्या होता है, बैंक अपने बैंक में उन्हें क्या दे देती है, एक लॉकर दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक लॉकर दिया जाता है, उसकी की दे दी जाती है, एक बैंक के पास रहती है और एक उसको सबमिट कर दी जाती है कस्टमर को। तो उससे क्या होता है, बैंक के पास जैसे पैसा सेफ होता है हमारा, वैसे ही हमारा गोल्ड सेफ होता है। तो हम उसमें कुछ लग्जरी आइटम्स जो हमारे गोल्ड वगैरह होते हैं उनको रखने के लिए हम लॉकर्स कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं। तो बैंक वहाँ पर आपको पेमेंट ना करने की बजाय, आपको ये नहीं कि आपने अमाउंट गोल्ड सबमिट किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बल्कि मैं क्या करेगा, बैंक आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। किस चीज़ के लिए, कुछ अमाउंट उसको मेंटेन करने का, क्योंकि लोकर जो फैसिलिटी दे रहा है, लोकर फैसिलिटी दे रहा है तो उसको मेंटेन करने का राइट किसका है, बैंक का। तो इस रीज़न से उसके लिए बैंक उनसे चार्ज देगा क्योंकि बैंक उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वन, ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो क्या है, बैंक हमें एक ट्रैवलर चेक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक क्या है, ट्रैवलर चेक क्या होता है, हम ट्रैवल कर रहे हैं तो बैंक अपने कस्टमर को हेल्प करता है कि आप ट्रैवलिंग में जाओगे तो आप क्या करोगे, इतना सारा अमाउंट लेके जाओगे तो वो अनसेफ है, मे बी आपका थेफ्ट हो जाए, किसी रीजन से आपका लॉस्ट हो जाए। तो इस रीजन से आपको ट्रैवलर चेक प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम चेक लेके जाएंगे तो वो हमारे नाम पे ही है, अगर वो मिसप्लेस भी हो जाता है तो वो उस पर्सन को क्या नहीं होगा, उस पर्सन के नाम वो अमाउंट सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इस रीज़न से वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रैवलर चेक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अपने ट्रैवलर्स को, जो उसके कस्टमर हैं उनको वो ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट किस रीज़न पे होता है, लाइक क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब हम माल को इम्पोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स का इम्पोर्ट करते हैं, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, बैंक हमें लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है कि आज आप परचेज कर लीजिए, कुछ टाइम बाद ये पेमेंट कर देगा, मैं इस चीज़ की सिक्योरिटी ले रहा हूँ क्योंकि उस कस्टमर का बैंक में अकाउंट ओपन है। अगर हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो हमारी एश्योरेंस दे सकता है और हमारी एश्योरेंस के बिहाफ पर उससे पेमेंट ले सकता है, कस्टमर के बिहाफ पर बैंक पेमेंट कर सकता है इम्पोर्ट जो हम कर रहे हैं माल। तो क्लियर है, इसमें आज हमने क्लियर किया फंक्शंस ऑफ कमर्शियल्स बैंक। इसमें आपके प्राइमरी फंक्शंस भी आ गए और सेकेंडरी फंक्शंस, जो ये दो पॉइंट्स बता रहे हैं आपके, ये कौन से हैं, ये आपके रेमिटेंस, अलाइड सर्विस और चेक फैसिलिटी। जो ये तीनों फंक्शन है ये सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं, और जो एक्सेप्टिंग और लैंडिंग है ये आपकी प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं। एक्सेप्टिंग और लैंडिंग ऑफ मनी,
और जो तीन लास्ट थ्री वर्ड्स है वो आपके सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट तो रह गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा ई बैंकिंग।